USA 24 Live Review. भागलपुर में वरीय अधिकारी के आदेश अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर इसाकचक थाना क्षेत्र पासी टोला में पुलिस द्वारा विशेष छापेमारी के अभियान के दौरान शराब माफिया मनोज चौधरी के घर से 300 बोतल विदेशी शराब एवं शराब माफिया गामा चौधरी मनोज कुमार चौधरी को इसाकचक पासी टोला से गिरफ्तार किया। वहीं एएसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि वरीय अधिकारी के आदेश अनुसार शराब माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में शामिल अधिकारी इसाकचक थाना चीता दल मत निदेश प्रभारी एवं कई अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की पूरी रिपोर्ट। त्योहार को देखते हुए सीनियर एसपी साथ बड़ा आदेश है कि नियमित रूप से जो शराब का जो पुराना चार्जशीटेड है या संदेह भी किया गया है, जब सूचना मिलती है उनके खिलाफ लगातार रेड की जाए। उसी कड़ी में एक सूचना मिली थी सीनियर साहब को कि गामा चौधरी जो है शराब का बड़ा खेप ला करके मनोज के घर पर डंप किया है, वहाँ से कहीं और बाहर भेजने वाला है। सूचना मिलते ही सीनियर साहब टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, रेड किया गया। छापामारी क्रम में वहाँ पे लगभग 12 कार्टून में 300 शराब की बोतलें मिली। सारी शराब बोतलें विदेशी है और लगभग 106.9 लीटर शराब की बरामदगी हुई, इसमें गामा चौधरी और मनोज की अरेस्टिंग हुई। इसमें और कई अपराधी हैं, उन्हें पता कर भी लिया है, चिन्हित भी कर लिया है, उस खिलाफ छापामारी की गई है और जल्द उनको गिरफ्तार कर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार छापेमारी हो रही है सर, बरामदगी भी हो रही है, लेकिन ये आ रहा है कि इधर से उस पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है? हम लोग देखिए हर पहलू पे जो फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज है, सही बिंदु पर काम करते हैं और उसी बिंदु पर काम करने के करीब में ही ये आज की बरामदगी है या पूर्व में कोई बरामदगियाँ हुई हैं या अरेस्टिंग हो रहा है। थैंक यू।